नमस्कार, आप देख रहे हैं नई सुबह टीवी और मैं हूं हमवीर सिंह। आप तो जानते हैं भारत के कोने कोने में घूमते रहते हैं, ऐसे लोगों की तलाश करते हैं जो समाज के लिए कुछ करते हैं। इसी तलाश में आप पहुंचे हैं आज हम एक ओखला में, और ओखला में हमारे साथ जो बातचीत करने के लिए हमारे खास मेहमान हैं वो एक एनजीओ चलाते हैं, उनका नाम है सद्दाम मुजीम जी, और उनकी एनजीओ का नाम भी बहुत प्यारा है, सिटीजन फाउंडेशन। दी सिटीजन फाउंडेशन के माध्यम से वो उनका मकसद क्या है इस एनजीओ को खोलने का और क्या करना चाहते हैं, वो किस तरीके से समाज सेवा करेंगे उनसे जानेंगे। उन्होंने इसका शुभारंभ कब किया। सद्दाम जी आपका स्वागत है। बहुत शुक्रिया सर आपका। सद्दाम जी, जो आपने इतना प्यारा नाम रखा है द सिटीजन फाउंडेशन, इस एनजीओ का मकसद क्या है? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, आदमी इंडिविजुअल लेवल पे एक लिमिट तक पहुंच सकता है। जब एक कोई संगठन आप स्टार्ट करते हैं तो उसकी रीच बढ़ जाती है। तो संगठन स्टार्ट करने का हमारा मकसद ये था कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सकें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की हम हेल्प कर सकें। अब आप देख रहे हैं दो साल से हमारा देश, क्या पूरी दुनिया ही पैंडेमिक से गुजर रही है, और हालात आपको सब कुछ मालूम है कि हालात गुजर रहे हैं, हालात बहुत ज़्यादा बदतर हैं। हम ज़मीन पर उतरे हैं, देखते हैं कि क्या हालात रहते हैं। तो हमारा मकसद इसको खड़ा करने का संगठन को यही था कि भाई हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सकें और उनकी मदद कर सकें। इस आपने इस संगठन का शुभारंभ कब किया और अभी तक आप किस तरीके से इसके माध्यम से लोगों की हेल्प करना चाह रहे हैं और कर रहे हैं? अच्छा, संगठन का जो शुभारंभ हुआ है हमारा, पिछले साल हमने इसकी नींव रखी थी, दो दिसंबर 2021 को इसकी नींव रखी गई है। और उसके वैसे तो मेरा सामाजिक जो कार्यों में जो एक्सपीरियंस रहा है, पिछले 5 से 6 सालों से हम जो है एक्टिव हैं, इंडिविजुअल लेवल पे अलग अलग संस्था के साथ जुड़ के हम काम करते थे, लेकिन ये हमने खुद ही इस ऑर्गेनाइजेशन का स्टार्ट किया है। ये दिसंबर में हमने स्टार्ट किया था, और इस ऑर्गेनाइजेशन का मकसद ये है कि जितना भी गरीब लोगों को हम लोग राशन से लेके या किसी भी तरीके से मदद हम पहुंचा सके, चाहे वो लीगल तरीके से मदद पहुंचा सके या मेडिकल सर्विस हम लोग पहुंचा सकते हैं या दे सकते हैं उनको, या राशन दे सकते हैं, या किसी भी तरीके, आप समझ रहे, बेसिक नीड जो होती है आदमी की, तो हम वो मकसद ही हमारा यही था कि इस संगठन को स्टार्ट करने का। देखो, गरीब लोगों तक जो है ना पूरी तरीके से मदद नहीं पहुँच पाती है, या चाहे आप सरकारी स्कीम्स को आप उठा लो या कुछ भी उठा के देख लो, ज़मीन स्तर पर गरीब लोगों तक नहीं पहुँच पाती है। अभी इस फाउंडेशन के माध्यम से कितने लोग इसमें जुड़े हुए हैं आपके साथ और किस तरीके से अभी तक आप हेल्प कर पा रहे हैं? अच्छा, हमारे संगठन में पूरे देश भर में 100 से 150 जो वॉलंटियर्स अभी जो है जुड़ चुके हैं, जो अलग अलग लेवल में और अलग अलग राज्यों में वो अपने लेवल पे काम कर रहे हैं। फिलहाल दिल्ली NCR तो हम देख ही रहे हैं खुद ही, और राशन डिस्ट्रीब्यूशन का हम लोग ने काम शुरू किया है। ये आपको पता है पवित्र रमज़ान का महीना भी शुरू हुआ था, तो हमने ड्राई राशन का भी हमने एक ड्राइव शुरू कर रखी है, तो हम वो ड्राई राशन जो है लोगों को दिल्ली NCR में हम लोग बांट रहे हैं। आपको क्या किसी सरकार की तरफ से, दिल्ली किसी की तरफ से कोई हेल्प होती है, मिलती है कभी? नहीं सर, ये कोई सरकारी तो हमें कोई मदद नहीं मिल पाती है, ये तो फिलहाल हम लोग जो भी जो है मिल मिला के कर लेते हैं, या क्राउड फंडिंग से जो काम हो जाता है हो जाता है, लेकिन सरकारी तरफ से कोई हमें फिलहाल अभी मदद नहीं मिल पा रही है। तो इस NGO के माध्यम से आप किससे, लोग किस तरीके से जुड़ सकते हैं, किस तरीके से हेल्प ले सकते हैं? और अच्छा, ये हमारे सोशल मीडिया के अंदर, हमारे अलग अलग सोशल मीडिया के हैंडल्स पे हम लोगों ने पेजेस बना रखे हैं, फेसबुक, ट्विटर, लिंक्डइन, इंस्टाग्राम, तो हम लोग वहाँ पोस्ट शेयर करते हैं और नीचे हेल्पलाइन नंबर भी जनरेट करते हैं कि भाई किसी को अगर नीड है किसी चीज़ की, मेडिकल सर्विस की ज़रूरत है या राशन की ज़रूरत है, तो इस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। तो ये भारत में कहीं भी किसी भी राज्य से अगर कोई आपसे संपर्क करता है तो आप कोशिश करेंगे वहाँ तक पहुँचाने की मदद? नहीं करेंगे क्या, हम तो कर रहे हैं जी सर। हम अभी देखिए, हमारी संगठन जो है अभी 6 महीने हुए होंगे, दिसंबर में रजिस्टर्ड हुए हैं, लेकिन हम लोग जो है पूरे देश भर में जो भी जहाँ भी जो है कॉल्स आता है हमारे पास में, तो हम लोग उसको वहाँ तक मदद को लोग आपको देख रहे हैं, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे, क्या अपील करना चाहेंगे उनसे? देखिए, हमारी एक ही अपील है, जैसा कि देखो 2 साल में पैंडेमिक से जो हालात बिगड़ चुके हैं, हम ये कहते हैं कि ज़्यादा नहीं, मोहल्ले पड़ोस में आप कम से कम ये देख लीजिए कि आपके मोहल्ले में पड़ोस में कोई व्यक्ति भूखा पेट तो नहीं सो रहा है। ये इंसानियत तौर पे आप खुद उठ के देखिए, अपने आस पड़ोस में देखिए, और उसकी ज़रा सी जो मदद कर सकते हैं आप अपने हैसियत के हिसाब से वो मदद करिए। ये हमारी छोटी सी अपील है। धन्यवाद सद्दाम जी हमसे बात करने के लिए। बहुत धन्यवाद सर आपका।
तो ये थे हमारे खास मेहमान सद्दाम मुजीब जी। इनके माध्यम से, अपनी एनजीओ के माध्यम से, बस ये इसलिए इन्होंने एनजीओ खोली है कि ताकि समाज में वो लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा भला कर सकें। जो हमारे आसपास में कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ हो रही हैं जो उनकी ज़रूरत की उनको महसूस होती है, कोई कमी महसूस, उनको पूरा करने के लिए, तो इनके नंबर पर डायरेक्ट संपर्क कर सकते हैं, फ़ोन कर सकते हैं। फिर आऊँगा किसी खास मुद्दे पर बात करने के लिए किसी खास मेहमान के साथ। देखना ना भूलें फेस टू फेस मीडिया नई सुबह का खास प्रोग्राम। मैं हमवीर सिंह, मेरे सहयोगी देव गोस्वामी के साथ नई सुबह टीवी दिल्ली।